रुड़की में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में क्या बोले प्रशांत मिश्रा। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रशांत मिश्रा ने भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जमुआसी के समर्थन में कहा कि पार्टी के लिए मैं पूरी तरह से समर्पित हूं। आगे कहा कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भाजपा लहराएगी परचम। उन्होंने आगे क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। प्रशांत मिश्रा जी, आप भाजपा के वरिष्ठ नेता है, आज ब्लॉक प्रमुखों के लिए पूरे जिले में नामांकन हुआ है, आप कहाँ कहाँ गए नामांकन में? मैं एक बात नामांकन जो तरियाबाद तो अपने ब्लॉक का था, वहाँ पे आकाश पांडे जी जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में घोषित किए गए थे उनके नामांकन में जाना हुआ, और चूँकि बहुत भव्य नामांकन था और एक बड़ी व्यवस्था के साथ नामांकन किया गया, इसलिए और यहाँ से दूर भी पड़ता है, अभी नामांकन सुचारू रूप से पूरा होने बाद ही मेरी वापसी हुई। अजा देवा ब्लॉक है आपका, जहाँ से अभी प्रसपा पार्टी है शिवपाल सिंह यादव जी की, तो उससे भाजपा में आए हुए हैं धर्मेंद्र यादव जमुआसी जी, जिनको देवा ब्लॉक से नामांकन किया गया। अनुराज जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प, तो उनको उनको भाजपा कैसे उनको भरोसा जो है कर रही है इतनी जल्दी कि कैसे करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सन 2014 से एक संकल्प है और एक मिशन है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी 135 करोड़ लोगों की बात करती है, समाज के लिए कोई वर्ग हमसे अछूता न रह जाए, समाज के लगभग सभी वर्ग हमसे जुड़े हुए हैं, जो कहीं समाज का प्रतिनिधित्व कहीं कम हो रहा है तो हमारी पार्टी की सोच है उसका भी प्रतिनिधित्व जो है ठीक अंश में हो, इसलिए समाज में कहीं ऐसा ना दिखे कि हम पूरे भारत के सारे भारतीयों की सारे जितने भी तरह से ये वर्ग में बटा हुआ है ये सब मिलकर एक अखंड भारत को और एक समृद्धशाली भारत को, एक विकसित भारत को जो है अगर हम स्वरूप देना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि ये सब हमें सबको जोड़ना पड़ेगा। किसी के मन में ये टीस ना हो कि हम ऐसे हैं और हम भाजपा में 20 साल नहीं रहे, अब हम भाजपा में आए हैं, हमें सबकी ज़रूरत है। उसमें धर्मेंद्र यादव जी को जो टिकट दिया गया है यहाँ के सामाजिक समीकरणों को ध्यान में देते हुए, और निश्चित रूप से हमारे ब्लॉक में भी हमारा व्यक्ति घर बैठेगा, तो मुझे लगता है कि ब्लॉक में जो कहीं कमियाँ रह गई थी, हमारा विकास का मॉडल जो ऊपर से चलता है दिल्ली से, तो जहाँ पर भी हमारे लोग होते चले जाते, जहाँ हमारी सरकारें होती हैं, जहाँ हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, जहाँ ब्लॉक लोग होते हैं, तो वहाँ विकास की धारा अविरल बहती है, और जहाँ कहीं भी हमारी सोच से, हमारी वैचारिक सोच से इतर व्यक्ति वहाँ बैठता है तो कहीं ना कहीं हमारे विकास के मॉडल में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, और हम जो अपना परिणाम देना चाहते हैं एक समयबद्ध तरीके से, जो हमारा संकल्प है, हमारे संकल्प में कि 2022 तक सबको आवास देना है, तो स्वाभाविक रूप से अगर हमारे विचार का व्यक्ति वहाँ नहीं बैठा था, पिछले बहुत सारे ग्राम प्रधानों के द्वारा, ब्लॉक प्रमुखों के द्वारा उन सारी योजनाओं में कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से अनदेखी की गई कि जिसका 100% लाभ जो है वो नहीं मिल पाया। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रादेशिक नेतृत्व ने और जनप्रतिनिधि नेतृत्व ने यही सोच रख करके जो है ये टिकट जो है फल।